सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड द मीडिया, और वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, और मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ एज मेंशन इन द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, आपके एग्जाम में आएगा, तो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चंस पढ़ते नहीं हैं और आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद चलिए हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड इज एन इंटरनेशनल स्टेटमेंट ऑफ सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अनुसार राइट टू द चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जो राइट है, जो बच्चा होता है उसका ये अधिकार है, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल राइट है बच्चे का। ठीक है, द यू एन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ कन्वेंशन एंड ओपेंड इट फॉर द सिग्नेचर ऑन 20th of November 1989। ठीक है, ये जो राइट है ये ओपन करा गया था यू एन कन्वेंशन के द्वारा 20 नवंबर 1989 को। तो डेट आप याद रखेंगे, कभी कभी एम सी क्यू में आपसे डेट भी पूछ दिया जाता है, तो आपको डेट याद रखना है। उसके बाद क्या क्या राइट्स मिले हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 28 राइट टू एजुकेशन। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट डज आर्टिकल नंबर 28 रेफर्स टू। तो इट रेफर्स टू राइट टू एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 28 राइट टू एजुकेशन, एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एन एजुकेशन। यानी कि हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है पढ़ाई, एजुकेशन उसको लेना हर बच्चे का एक अधिकार है। प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री एंड द सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी अवेलेबल टू एवरी चाइल्ड। यानी कि आप कभी भी छोटे बच्चों को देखोगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट में भी आई गेस होना चाहिए, होता नहीं है वो बात अलग है। सो प्राइमरी एजुकेशन जो भी है बच्चे का, नर्सरी से लेकर के क्लास 5th तक का जो एजुकेशन है वो बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, मतलब उनको मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे को एजुकेटेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो 6th क्लास से लेकर के 12th तक के जो बच्चे होते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हर एक बच्चे को अवेलेबल होना ही होना चाहिए। सो हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 28 राइट टू एजुकेशन इज द एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एन एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री एंड द सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी अवेलेबल टू एवरी चाइल्ड। ठीक है, एजुकेशन शुड डेवलप द पर्सनैलिटी एंड द टैलेंट्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। यानी कि बच्चे को एजुकेशन क्यों देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करता है, और उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करता है, और उनके अंदर जो भी छुपा हुआ टैलेंट होता है वो चीज़ उभर कर आता है। तो हर एक बच्चे को एजुकेशन का एक राइट मिला हुआ है। It should encourage the child's respect for the human rights as well as respect for their parents, their own and other culture and the environment. यानी कि बच्चे जब स्कूल जाने लगेंगे तो उनको देश के बारे में पता चलेगा, दुनिया के बारे में पता चलेगा, फिर उनको नॉलेज गेन होगा, वो अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे, वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे कल्चर को, दूसरे इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करेंगे। सो ये जो राइट है एजुकेशन का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं राइट टू हेल्थ। ठीक है, सो एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 24 हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल नंबर 24 रेफर्स टू व्हाट। सो आप लिखेंगे हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज, चिल्ड्रन हैव द राइट टू गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, न्यूट्रिशियस फूड एंड अ इन्वायरमेंट टू स्टे हेल्दी। यानी कि हर एक बच्चे का ये अधिकार है कि उसको अच्छा साफ पेयजल मिले, साफ पानी मिले, न्यूट्रिशियस फूड मिले, अच्छा खाना मिले, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। अगर उसका कभी स्वास्थ्य खराब होता है, तबीयत खराब होती है, तो एक प्रॉपर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करा जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज आर्टिकल नंबर 24 में।
ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 24 हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज चिल्ड्रेन हैव द राइट टू गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर क्लीन वाटर न्यूट्रिशियस फूड एंड अ क्लीन एनवायरमेंट सो दैट दे कैन स्टे हेल्दी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि आप किस तरीके से लिखोगे राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ के बारे में अगर आता है चिल्ड्रंस राइट के ऊपर। और अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।